वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज, जिसमें हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी और सीसी यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने सेट 6 में स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें हमने असेसमेंट, उसका मीनिंग, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और सीसीई की डेफिनेशंस को देखा था। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे जरूर देखिए, फिर आगे आपको ये और भी अच्छे से समझ आएंगे। और लास्ट में हमने इस वीडियो के कंसेप्ट वाइट डाले हैं, जिससे आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के पूरे डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश इज नीडेड टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट थ्रू असेसमेंट ऑफ बोथ स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो वो दो चीजों को कंसिडर होती है, एक होता है स्कोलास्टिक जो स्कूल के अंदर होती है और एक होती है कोस्कोलास्टिक जो लाइफ स्किल्स के अंदर आते हैं कि भाई हाँ हमें स्कूल के बाहर की एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन की, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की, इवेल्युएशन की सिर्फ, या फिर सभी को मिलाकर। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस भी, कॉम्प्रिहेंसिव भी और इवेल्युएशन भी, तीनों का होना बहुत जरूरी है। आगे हम एक एक करके सभी टर्म्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, द टर्म कंटिन्यूस रेफर्स टू। तो कंटिन्यूस में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेगुलर असेसमेंट, पीरियोडिकल असेसमेंट, टर्मिनल असेसमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, रेगुलर असेसमेंट की जाती है, पीरियोडिकल तो क्या होती है, कभी कभी हो जाती है, और टर्मिनल जो ईयर एंड पे होती है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, बिल्कुल रेगुलर जो चलती ही रहती है, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म कॉम्प्रीहेंसिव रेफर्स टू। तो कॉम्प्रीहेंसिव टर्म जो सीसी के अंदर आता है उसका मतलब क्या होता है, स्कोलास्टिक एरियाज ऑफ द प्यूपिल ग्रोथ, कोस्कोलास्टिक एरियाज ऑफ द प्यूपिल ग्रोथ, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि हर एक चीज को इंक्लूड करना, जिसमें स्कूल, बाहर की एक्टिविटी और बच्चे की जो उनकी चाइल्ड पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, डैश रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस रिगार्डिंग ग्रोथ और प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बच्चे की ग्रोथ और उसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि उसको उसके किस मतलब एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, वो किस चीज की जरूरत होती है, तो उसमें इवेल्युएशन की जरूरत होती है। मेजरमेंट में तो क्या होता है कि हम उसके टूल्स को मेजर करते हैं, असेसमेंट में हम उसको असेस करते हैं, तो इवेल्युएशन में हम उसको ग्रेड्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, वट आर द फेजेज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो जो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन होते हैं तो उसके क्या क्या फेजेज होते हैं, मतलब किस किस चीज को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या होता है कि हमें डाटा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, उसके करिकुलम से रिलेटेड, फिर जजमेंट मेकिंग, फिर उसके इंटरेस्ट को, उसके जो कैपेबिलिटी है सबको जज किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, जिससे इवेल्युएशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सीसीई। तो सीसीई के एम क्या क्या होते हैं देख लेते हैं, प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस टू लर्नर। अब हमें बताना कि कौन सा एम नहीं है। तो सीसी क्या कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, जो वो फीडबैक भी देता है और गाइडेंस भी देता है लर्नर को फ्यूचर के लिए, और रिड्यूस द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। बिल्कुल, अगर हम लगातार इवेल्युएशन करते रहेंगे यूनिट टेस्ट के बेसिस पे, वीकली टेस्ट के बेसिस पे, तो इससे क्या होगा, बच्चे के मन से एग्जामिनेशन का, एग्जाम का डर कम होगा। हेल्प इन रोट लर्निंग, क्या वो रट्टे लगाने में, क्रैम करने में हेल्प करता है, नहीं। सीसी का ये पर्पज नहीं होता कि भाई डेली बेसिस पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो भाई उससे बच्चों को जो कंसेप्ट है वो रट जाए, ठीक है, तो ये गलत है। फिर हेल्प इन डेवलप कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट। तो बिल्कुल, तो इसमें अलग अलग चीजें भी, कैसे उसको इफेक्टिव यानी कि उसकी फीलिंग को, साइकोमोटर उसकी डूइंग को, कॉग्निटिव यानी कि उसकी थिंकिंग को, कैसे अलग अलग तरीके से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप इज नोन एज। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्लासिफाई किया जाता है या फिर अरेंज किया जाता है ग्रुप्स के अंदर चीजों को, तो उसे क्या बोलते हैं,
टैक्सोनोमी, लॉ ऑफ अरेंजमेंट या फिर बहुतों से बोलते हैं टैक्सोनोमी, यानी कि इसका मतलब ही क्या होता है टैक्सोनोमी का, लॉ ऑफ अरेंजमेंट, भी कैसे हम चीजों को अरेंज करते हैं और उनको, जैसे हमने पढ़ेंगे अब आगे हम कि ब्लूम टैक्सोनोमी में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, उसमें कैसे नॉलेज को कॉम्प्रिहेंसिव को डील करते हैं, तो लास्ट में कंसेप्ट वाइज में हम आप इसको आपको डिटेल में क्लियर करवाएंगे। नेक्स्ट है इसमें डैश मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या चीज है जिससे इंडिविजुअल के बिहेवियर में मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, यानी कि सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन किसी को देना उसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नहीं, एजुकेशन के थ्रू हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग से भी इतना इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें बिहेवियर इज डिवाइडेड इंटू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट या फिर डोमेन। तो जो ब्लूम टैक्सोनोमी है उसने बिहेवियर को कुछ डोमेन्स में डिवाइड किया, तो कौन से होते हैं वो, कॉग्निटिव, यस, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो ये तीनों के तीनों उसके डोमेन्स हैं। नेक्स्ट है इसमें हु मेड कंट्रीब्यूशंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड टू द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। तो कौन है जिसने जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसके अंदर और थ्योरी ऑफ मास्टरिंग, कैसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो ये दिया था बीएस ब्लूम ने, ठीक है, जिसने टैक्सोनोमी भी प्रोवाइड किया, उसमें अलग अलग उसने एस्पेक्ट्स को, डोमेन्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स सच एज, क्या क्या स्किल्स होती है जिसमें, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये किस चीज के अंदर कंसिडर की जाती है, तो ये कॉग्निटिव यानी कि नोइंग, जिसका मतलब ही है जानना, किस चीज के थ्रू जाते हैं हम, अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के थ्रू और क्रिएटिविटी के थ्रू, तो ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश इज कंसर्न विद द इंटरेस्ट, इमोशंस, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड, मेंटल टेंडेंसीज एंड वैल्यू ऑफ द प्यूपिल, यानी कि क्या चीज है जिसमें हम बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर, उसके इमोशंस को उसके अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हाँ, अगर वो, अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उसको अच्छे चीज के लिए रिवॉर्ड्स देंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें उसको इंक्रीज करेगी, तो कॉग्निटिव नहीं, उसको अफेक्टिव यानी कि उसकी फीलिंग्स के थ्रू हम उसमें ये सारी चीजें जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, देयर फिजिकल एक्टिविटीज आर कंसर्न विद, यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी को कैसे हम डिवलप करते हैं, वो किसके अंदर आता है, वो साइकोमोटर के अंदर आता है, जिसमें हम टू डू कैसे करना है चीजों को वो सिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन दैट इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन के बताए गए हैं, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन आर अरेंज्ड फ्रॉम। तो ये किस वे में अरेंज होते हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, वर्टिकल फॉर्म या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट होते हैं, जिसमें नॉलेज सबसे लोवेस्ट फॉर्म में मानी जाती है और इवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट फॉर्म में माना जाता है, ठीक है, तो ये डिटेल में हम करेंगे डिस्कस इसको। फिर है फ्रॉम कंटेंट्स पॉइंट व्यू पॉइंट, नॉलेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो कंटेंट के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो नॉलेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, भी किसी भी चीज को कैसे स्पेसिफिक वे में हम डील करते हैं, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग दिस विद स्पेसिफिक्स, भी उस स्पेसिफिक को डील करने के लिए हम कौन से तरीके और मेथड्स अपनाते हैं, और नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्शन, तो ये सारे के सारे ही नॉलेज के अंदर कंटेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें विच एक्टिविटीज कंप्रिहेंशन डज नॉट कंसिस्ट, तो कंप्रिहेंशन के अंदर क्या चीजें नहीं आती देखते हैं, ट्रांसलेशन बिल्कुल होता है, इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, एक्स्ट्रापोलेशन भी होता है, लेकिन जनरलाइजेशन नहीं होता, जनरलाइजेशन किसके अंदर होता है, वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टैक्सोनोमी एक्वायर थ्रू, तो किस चीज के, तो जो एप्लीकेशन था इसमें हमारा फोर्थ स्टेप था जो लोवेस्ट टू हाईएस्ट में चलता है, तो वो ब्लूम टैक्सोनोमी किस चीज के थ्रू एक्वायर होती है, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी,
बिल्कुल, तो उसमें हर एक जो भी प्रिंसिपल है, लॉज, इफेक्ट्स है उनका जनरल है, इनकी सभी पे एप्लीकेबल हो, सबके लिए इक्वल हो। डायग्नोसिस ऑफ प्यूपल वीकनेसेस, स्टूडेंट्स की क्या वीकनेसेस हैं उनको डायग्नोस करना, ढूंढना, फिर एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट एंड लोड बाय द पीपल, फिर उनके वीकनेसेस को ढूंढ के उनके उसके कंटेंट को लोड को उस पर अप्लाई करना, उसको सोल्व करना। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एन अल्टरनेटिव टेक्सोनोमी ऑफ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव दैट इंक्लूड इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलिज्म इज गिवन बाय। तो जो टेक्सोनोमी है हमारी, वो उसमें बताता है कि जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। ये अभी चेंज है, ये सेकेंड ईयर में दिया हुआ है कि हमारी जो टेक्सोनोमी है वो ब्लूम के बाद चेंज करती गई थी। तो वो किसने चेंज की थी और उसमें क्या क्या लाए गए थे, इमिटेशन भी चीज़ों को नकल करना, मैनिपुलेट करना, प्रिसीजन पहले से ही एस्टिमेट लगाना, आर्टिकुलेशन और नेचुरलिज्म। तो ये डॉक्टर आर एच देव ने इसको दोबारा से रिवाइज किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तो जो अफेक्टिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं है। रिसीविंग, बिल्कुल चीजों को कैसे रिसीव करना है, उसके थ्री टाइप्स बताए गए रिसीविंग के भी, जैसे अवेयरनेस के थ्रू, विलिंगनेस के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू। फिर है रिस्पोंडिंग भी, कैसे लर्नर है वो रिस्पोंड कैसे करता है, आंसर कैसे करता है, डिस्कस कैसे करता है। वैल्यूइंग, इसमें हम उसके इमोशनल एक्सेप्टेंस को, प्रेफरेंस को देखते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स मूवमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूड होता है। लास्ट है इसमें इन हाउ मेनी कैटेगरीज साइकोमोटर डोमेन आर अरेंज। तो साइकोमोटर डोमेन को कितनी कैटेगरीज में अरेंज किया गया है, 6 कैटेगरी में अरेंज किया गया है, जो कि लोवेस्ट टू हाइएस्ट ही होती है, जिसमें हम रिफ्लेक्स मूवमेंट देखते हैं कि भाई कैसे हम अपने जेस्चर्स, हम अपनी आईज को क्लोज करते हैं, हम अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं, फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट, ये आगे हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसके कंसेप्ट बाइट में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम किसने दी है, बी एस ब्लूम, यानी कि बेंजामिन सैम्यूल ब्लूम ने, जो कि कौन है, एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, हु मेड कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टू द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। तो हमने क्वेश्चन किया था कि भाई कौन था जिसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में और कैसे लर्निंग के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं, इसके बारे में इसने थ्योरीज दी थी। He was born in US 21 February 1913 to 13 September 1999। तो ये इसका टाइम पीरियड गिवन है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन टू ग्रुप्स। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई हम कैसे चीजों को ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अरेंजमेंट। एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन से हैं, हमने किए थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में क्या होता है, नोइंग, यानी कि हम क्या है चीजों को जानते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, स्किल्स, जैसे थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। इसमें क्या करता है, जो टीचर है इज इंटरेस्टेड इन व्हाट द पीपल विल डू। तो वो देखता है कि बच्चे किस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वही चीजें उसको करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इसको व्हाट के नाम से पहचाना जाता है। अफेक्टिव में क्या होता है, फीलिंग्स, यानी कि इसमें बच्चे के इंटरेस्ट, इमोशंस, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड्स, मेंटल टेंडेंसी और वैल्यूज को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि डूइंग व्हाट, कि बच्चा क्या चीज करना चाहता है, डूइंग व्हाट यानी कि कैसे करेगा, उसमें क्या करेंगे और कैसे करेंगे। फिर है साइको मोटर डूइंग, इसमें क्या होता है कि उसके स्टूडेंट्स में जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है और जो मोटर स्किल है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। वो कहते हैं डूइंग हाउ, भाई कैसे हम चीजों को थिंकिंग के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू उनको चीजों को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स हैव क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन इनटू 6 कैटेगरीज। तो कॉग्निटिव डोमेन को 6 कैटेगरीज में बताया गया, जो कि क्या है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट है। तो इम्पोर्टेंट हमने किया था, तो कौन कौन से है उसमें, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, इवेल्युएशन, एनालिसिस और उसके अलावा सिंथेसिस। तो ये सारे के सारे 6 डोमेन है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें नॉलेज। नॉलेज में हम क्या देखते हैं कि
काउंटिंग, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड फॉर्मूला, ये सारी चीजें देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट में सबसे लोवेस्ट लेवल यही है इसका। इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन आस्क्ड इन द प्रोवाइडेड क्वेश्चन फ्रॉम कंटेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। देयर आर फॉलोइंग थ्री लेवल इन नॉलेज कैटेगरी। तो कौन से होते हैं, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, यानी कि जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, उसको इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और उसमें टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आएगा, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, और स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, जैसे फैक्ट्स, डाटा से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड और प्लेस से रिलेटेड। सेकेंड है इसमें नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। इसमें क्या देखते हैं कि भाई जो बच्चे को जज किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके स्टडी हैबिट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है इसमें कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का देखो मैंने बिल्कुल सिंपल टर्म में इसका मीनिंग बताया है, जो उसे इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जाती है उस बिहाफ पर वो चीजों को करता है क्या, अंडरस्टैंड, कि कैसे जो भी उसको इंफॉर्मेशन है, उसके पास जो भी डाटा है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो इसमें क्या होता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही होता है ये भी। इट इज बेस्ड अपॉन नॉलेज। इफ देयर इज नो नॉलेज, अगर नॉलेज ही नहीं होगी, तो अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं आएगी। तो कॉम्प्रीहेंशन में तीन स्टेप कौन से पढ़े थे हमने, ट्रांसलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स में। फिर है इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग अलग चीजों को क्लासीफाई करते हैं और रीअरेंज करते हैं और उनको वेरीफाई भी करते हैं, जैसे एबिलिटी टू इंटरप्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल डाटा। एक्सट्रापोलेशन में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग फैक्ट्स को और कंक्लूजंस को, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कि जो भी चीजें हमने अब सीखी है, जो हमने नॉलेज, जो डाटा कलेक्ट किया है, उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, लॉज, प्रिंसिपल्स होते हैं, डायग्नोज हमने पढ़ा था, ढूंढते हैं फिर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या करते हैं हम, कि जो डिवीजन है हमारा कंटेंट का, उसको एलिमेंट्स के थ्रू कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट थ्री लेवल। तो क्या क्या होते हैं इसमें, एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अबव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है और एप्लीकेशन है, तभी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कि क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि कैसे हम चीजों को क्रिएट करते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, ठीक है। फिर है इसमें लास्ट इवेल्युएशन। तो ये सारी चीजें करने के बाद, ये हमारा हाईएस्ट लेवल है, जिसमें हम चीजों को इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि कितनी चीजें सही है कितनी नहीं है। तो इसमें फाइव कैटेगरीज बताई गई है, द टू टाइप्स ऑफ क्रिटेरिया, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल होता है इवेल्युएशन के फॉर्म, जैसे हमारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, आर यूज फॉर जजिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल, रूल्स एंड थ्योरीज। इट डेवलप्स द पावर ऑफ जजमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट, यानी कि उसके क्वांटिटेटिव में उसको मार्क्स के थ्रू और क्वालिटेटिव में उसके इंटरेस्ट के थ्रू जज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू उसको जज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड हमारा जो अफेक्टिव डोमेन। तो ऑब्जेक्टिव दिए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में, उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट, इमोशंस, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड्स और मेंटल टेंडेंसी या फिर वैल्यू ऑफ पीपल, कि कितना उसका इंटरेस्ट है, क्या उसके इमोशंस है। इसके भी फर्दर थ्री टाइप्स है, रिसीविंग, क्या रिसीव करते हैं, अवेयरनेस के थ्रू, विलिंगनेस यानी कि उसकी इच्छा के थ्रू, और उसके कंट्रोल देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें उसको अच्छे से आती है, रिस्पोंड करता है फिर वो कैसे रिस्पोंड। इसके भी थ्री लेवल है, लर्नर ओबीडियंस फॉर रिस्पोंडिंग, लर्नर्स विलिंगनेस टू रिस्पोंड, लर्नर गेट सेटिस्फेक्शन और प्लेजर इन रिस्पोंडिंग। तो कैसे रिस्पोंड करेगा, आंसरिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, राइटिंग जैसे वो एक्सप्लेन कर सकता है रिटर्न ऐसे फॉर्म में, रिएक्टिंग के थ्रू, अपने जैसे जेस्चर्स के थ्रू वो रिस्पोंड करता है, और वैल्यू में क्या आएगा, ये भी उसके इमोशनल और प्रेफरेंस और कमिटमेंट वैल्यूज, इसके थ्री लेवल बताए हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें देखेगा, कि भाई वो वैल्यूज को और डिटर्मिनेशन को और डोमिनेंट वैल्यूज को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि इंटरनलाइजेस वैल्यू, जिसमें अलग अलग सिचुएशन में एक से ज्यादा वैल्यू की जरूरत होती है। फिर है इसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू।
ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी बताई गई है जिसमें जनरलाइज सेट और करेक्टराइजेशन को इंक्लूड किया गया है। फिर है इसमें लास्ट साइकोमोटर और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव डोमेन। तो अभी हमने पढ़ा था साइकोमोटर में क्या होता है कि उसके फिजिकल एक्टिविटीज और ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है। तो इसके 6 कैटेगरीज जो कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट ही होती है, कौन सी है? रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है? मे बी इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्सेज की, जो हम खुद से नहीं करते लेकिन कई बार जैसे क्लोजिंग ऑफ आईलिड की, हम जो अपनी पलक चिपकाते हैं वो हमारे खुद की मर्जी से नहीं होती, वो इन्वॉलंटरी होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म्स, ये सारी की सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट में आती है। दीज आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दे आर वेरी असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर एबिलिटीज एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये ऐसी एक्टिविटी जैसे हमारी हार्ट बीट है, जो धड़कन चलती रहती है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फिर है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। तो इसमें क्या क्या है कि जब जो बच्चा है वो मूवमेंट करता है, जैसे क्रीपिंग, जो वो चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, बोलना सीखता है, तो ये बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। फिर है फिजिकल एबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि भाई उसमें जो भी अपनी एबिलिटीज है, वो लर्नर क्या होता है, उसकी टॉलरेंस को देखता है, उसके भी कब रुकना है, कब चलना है, कब उसको, मतलब उसकी टॉलरेंस पावर को मेंटेन करता है। फिर है स्किल्ड मूवमेंट। आर दोज कॉम्प्लेक्स बॉडीली मूवमेंट विच हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस स्किल टास्क, जैसे डांसिंग, ये स्किल के ऊपर बेस होती है, स्केटिंग, टाइपिंग, टेलरिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। तो ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू ये हम अचीव कर सकते हैं। और फिर है इसमें परसेप्चुअल एबिलिटीज। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि भाई कोई चीज कितनी अच्छे से उसको रिसीव करता है, ठीक है। तो ये सारे आई होप ये टैक्सोनॉमी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये सारे एमसीक्यू भी, अगर कोई एमसीक्यू मिस भी हो जाता है तो आप उसको कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।